सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें और मजीद वीडियोस के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। रहमान रहीम, अस्सलामु अलैकुम, खुश आमदेद कहते हैं आपको प्रोग्राम लाइव विद खालिद फातमी में, और मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेज़बान रुबीना अलवी। तहरीक इंसाफ की हुकूमत का पहला साल, एक साल बाद इमरान खान आखिर कहाँ खड़े हैं? तहरीक इंसाफ पहले साल की बड़ी कामयाबियाँ और अबियाँ और नाकामियाँ, असम्बली के पहले साल में क्या कानून साजी की गई, वजारतों से पूछेंगे आम आदमी की ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए आखिर क्या काम किया वज़ीर आज़म इमरान खान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हुकूमत में एक साल कितना कामयाब और कितना नाकाम, इमरान खान और उनकी जमात की माजी के हुक्मरानों पर सख्त तनकीद, इन्हीं पर सारी चीज़ों पर हम तजिया लेंगे। हमारे साथ हमेशा की तरह मौजूद हैं, अस्सलाम वालेकुम, मिजाज बखैर। फातमी साहब, किस तरह से आप देखेंगे? सबसे पहले तो तहरीक इंसाफ की हुकूमत का पहला साल है, इस पर तो हम बात करेंगे। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो कश्मीर तनाज़े की जो गूंज है और ये सारी चीज़ें हैं, और जो जौहरी ताकतों के दरमियान जंग के खतरात जो मंडला रहे हैं, आप इसको ज़रा सा तज्जिए की रोशनी में देखिए। एक बात तो आप समझ लें कि कश्मीर का जो इशू है वो डिस्प्यूटेड है, उसमें ज़रा सा भी शुबे की ज़रूरत नहीं। इंडिया ने जो कुछ किया है वो ज़ाहिर है, अगर आप उनकी आरएसएस की और जो बीजेपी की पूरी तहरीक है और पूरे जो उनके मंशूर है उससे आप समझ सकती हैं कि वो एक ऐसी जमात है जो इंतहा पसंद हिंदू जमात है और उनका ख़ास ख्वाब है। लेकिन शायद उनको भी तारीख पे गिरफ्त नहीं है, ज़ाहिर यहीं डूबती हैं कौमें, कि हिंदुस्तान में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोका के बाद कभी भी मुकामी हुकूमत कायम नहीं हुई है पूरी सतह पे। हमेशा से इन्वेडर्स आते रहे और बाहर से, और वो जो इन्वेडर्स आते रहे हैं उनकी भी ये खूबी रही है कि वो आके न सिर्फ ये कि उन्होंने हुकूमत की बल्कि मर्ज करते चले गए हैं। यही एक हिंदुस्तान की खूबी भी थी जिसकी वजह से अभी तक ये मुल्क बड़ा खुशहाल रहा और कभी किसी किस्म की दुश्वारी नहीं हुई। जब अंग्रेज़ आए और उसके बाद जब तहरीक चली और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अंग्रेज़ों को जाना पड़ा और हिंदुस्तान और पाकिस्तान बना, तो उस वक्त भी जो लोग हिंदुस्तान में थे या पाकिस्तान में थे, जिन्ना साहब हों या गांधी साहब, एक अंडरस्टैंडिंग थी कि हम सदियों से यहाँ रह रहे हैं तो हमारी सियासी तहरीकें तो मुमकिन है फ़र्क करें, आइडियोलॉजी फ़र्क होगा, लेकिन हम तंग नहीं करेंगे किसी को। इसी हवाले से पाकिस्तान में कायदे आज़म ने बहुत सख्त बयान दिया कि अकलियतों के हकूक़ पर कोई यहाँ किसी किस्म का कदगर ना, और उस पर आज तक अमल हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे हिंदुस्तान में भी यही रहा, लेकिन ये जब से पार्टी आई बीजेपी उसके बाद इन्होंने अलैलान न सिर्फ ये कि मुसलमानों का जीना हराम कर दिया, बल्कि उसके बाद ये आखिरी कदम जो उन्होंने खौफनाक उठाया कश्मीर के हवाले से, इसमें हम एक बात तो कह सकते हैं कि पाकिस्तान कहीं ना कहीं सफारती सतह पे ज़रूर कमज़ोर रहा है, अब दोबारा अंगड़ाई ले कर कुछ कोशिश कर रहा। उसकी वजह ये है कि हिंदुस्तान ने जो किया है वो बिल्कुल कोई अचंभे की बात नहीं थी, ये बात उनके पहले से थी। यानी हमारे जैसा कॉमन भी जानता था कि वो कश्मीर को हड़प करने के चक्कर में हैं, हम सो रहे थे जिसकी वजह से हमें दुश्वारी हुई, अल्लाह का शुक्र अब हम जागे हैं और पूरी दुनिया को बता रहे हैं। क्योंकि देखिए कश्मीर का मसला बिल्कुल अलग है, वहां के मुकामी लोग कतन रहने को तैयार नहीं, वो चाहते हैं आजादी। अच्छा, अब आप जबरी 40-50 हज़ार 1-2 लाख फौजी बैठा के आप 10-12 दिन कर्फ्यू लगा के मामला दबा तो सकते हैं, खत्म नहीं कर सकते। अब सिक्योरिटी काउंसिल में जो कल परसों बंद कमरे में जो हुआ उसमें ये इशू है कि क्या इसको डिस्कस किया जाए या नहीं। देखना यह है कि हमारी जो सफारती कोशिश है वो कितनी पावरफुल है कि हम इस टॉपिक पे गुफ्तगू करवा सकें और उन बड़ी ताकतों को मनवा सकें। सलामती काउंसिल का आपने जिक्र किया, ये जो हुआ इजलास, लेकिन उसमें यह भी तो कहा गया ना कि पाकिस्तान और इंडिया अपने मामला जो है बाहमी सतह पर, देखिए ना ये जो बाहमी सतह यही तो मार खा रहे हैं हम 72 साल 73 साल से बाहमी सतह पर नहीं कर, ना हम शिमला
पे एग्री कर सके, ना हम उससे पहले नेहरू अयूब के पैक्ट पे हल करें, ना कायदे आजम के ज़माने की जो यूनाइटेड नेशन के सारे रेजोल्यूशन होते, इस पे तो हम अमल कर ही नहीं रहे, ना हम कर रहे हैं ना वो कर रहे हैं। रुजू किया गया ना, अच्छा तो बात ये है कि अच्छा फिर पाकिस्तान ने भी हमारी सारी जंगें उन्हीं की वजह से, हमारी फौजी ताकत हम कहते ही कि हिंदुस्तान से ख़तरा सही मानों में कश्मीर की वजह से, और तो कोई वजह नहीं है। अच्छा अब कश्मीर, मैंने पहले भी आपसे परसों प्रोग्राम में कहा और फिर कह रहा हूँ कि कश्मीर हमारी शहर है, उनकी नहीं है, उनके लिए इतनी प्रॉब्लम, उनके लिए तो सिर्फ एक समझिए कि एक लालच है कि ज्यादा से ज्यादा एरिया पे हुकूमत की जाए, लेकिन हमारे लिए शहर है क्योंकि पानी का मसला हमारा है वहीं से, तो अगर कश्मीर को कुछ नुकसान पहुंचता है तो सही मानों में डायरेक्ट पाकिस्तान को नुकसान पहुंचता है, और इसीलिए शायद हमारी फौज भी इस वक्त काफी अलर्ट है लड़ने के लिए, लेकिन लड़ाई जाहिर है हल नहीं है और हमने अवॉइड भी किया उससे, इसलिए। लेकिन आपसे कल भी हम बात करते हैं, आपने उस पर यह कहा कि जाहिर है कि दोनों ही एटमी ताकत है, तो आप क्या समझते हैं पाक भारत अगर एटमी तसादुम होता है, जो कि जाहिर है कि ना हो, कोशिश तो यही है जाहिर है, लेकिन तो आप क्या समझते हैं कि इसके क्या असरात फिर आप देखिए, एटमी ताकत होने के बावजूद एटमी जंग तो हो ही नहीं सकती, उसकी वजह इसलिए नहीं हो सकती कि जो बड़ी ताकतें बैठी हैं वो आपको आपको और उनको बिल्कुल इसकी इजाजत, अगर जरूरत पड़ेगी तो उसके लिए वो इंतहा पे चले जाएंगे इसको रोकने के लिए, उसकी वजह कि मसला पाकिस्तान इंडिया का है ही नहीं है, मसला ये है कि खुदा ना खास्ता अगर एटमी ताकत का इस्तेमाल किया गया तो इस खित्ते में लोग रहेंगे नहीं, और इसके असरात हम पे नहीं, हम पे तो पड़ेंगे, हम तो यानी हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, ईरान चला जाएगा, पूरा मिडिल ईस्ट चला जाएगा, चीन इफेक्टेड हो जाएगा, एक बात। दूसरी बात, मैंने पहले भी आपसे कहा कि हिंदुस्तान की, हालांकि उनकी अपनी खुशकिस्मती है कि उन्होंने मुआशी तौर पे बहुत तरक्की की, उन्हें चाहिए था कि इसको हजम कर पाते, जो हजम नहीं कर पा रहे हैं वो बड़े बड़े ख्वाब देखने लगे हैं, लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं कि पाकिस्तान फौजी लिहाज से हर लिहाज से उनसे ज्यादा डिसिप्लिन फौज है हमारे पास, और ज्यादा जंगजू, यानी यह हमारा तो बेल्ट फौज कर रहा है ना पूरा, ये बेल्ट जो है, तो हम उनसे अगर खुदा न खास्ता लड़ाई हुई तो हमारे यानी हमें उनसे कोई परेशानी नहीं है, परेशानी सिर्फ यह है कि मुआशी तौर पे हम इतने बदहाल हैं कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते जंग, इसीलिए हम अवॉइड कर रहे हैं, और हिंदुस्तान को भी नहीं करना चाहिए क्योंकि वो तबाह हो जाएंगे, तो जंग तो नहीं होगी, कॉन्वेंशनल वार हो सकती है, मतलब जो से जमीनी जंग हो सकती हो जाए। जैसे ये भारतीय ऑपोजिशन का मसला है कश्मीर पर, जो सलामती काउंसिल का जो इजलास है, तो आप क्या समझते हैं कि ये मोदी सरकार की सिफारती नाकामी, इसको तसव्वुर किया जाए? ये मैं तो नहीं कहूंगा, लेकिन हमारी कामयाबी है, क्योंकि देखिए उनकी, मैं एक बात आपको बताऊं कि हिंदुस्तान की जो इस वक्त एडवांटेज है वो ये है कि चीन और हिंदुस्तान दो बड़ी ताकतें इस वक्त दुनिया में उभर के आ रही हैं, जिसकी वजह से पूरी दुनिया उनसे बात करने में कहीं ना कहीं थोड़ी सी यानी जानिबदारी से काम लेती है, जिसका एडवांटेज है, हमारे साथ ऐसा नहीं है, हम तो कर्जों में फंसे हुए हैं। मैं तो आपसे परसों भी कहा था और फिर कह रहा हूँ कि देखिए पाकिस्तान को एडवांटेज ये है कि अगर हम सिर्फ खामोश भी बैठे रहें और कुछ ना करें तब भी हिंदुस्तान खुद अपने किए की सजा भुगत लेगा, उसकी वजह यह है कि देखिए चीन कभी नहीं चाहेगा इस जोन में प्रॉब्लम हो, चीन का मसला लद्दाख का है, तिब्बत का है, अच्छा चीन के भी बड़ी ताकत और वो चाहता है, रूस के भी ताल्लुकात अब इंडिया से नहीं है, हमसे ज्यादा बेहतर है, रूस की भी ख्वाहिश होगी कि इंडिया को यहां रोका जाए, इंडिया में अपनी तहरीकें बेशुमार, आप देखिए पूरा आसाम की तहरीक चल रही है, नक्सलबाड़ी की तहरीक चल रही है, सबसे खतरनाक तहरीक उनकी कर्नाटका और साउथ की तहरीक चल रही है, वो तो कहते हैं हम इंडियन है ही नहीं, उनका कल्चर अलग है, रस्म व रिवाज अलग, तो अगर हिंदुस्तान ने इस किस्म, उसके बाद आप देखें लंदन में और हर जगह सिख भी हमारे साथ एहतजाज करें, इसके मतलब वो भी खुश नहीं है, तो मोदी साहब ने इस वक्त आप समझे कहते ना जो शहद की मक्खी के छत्ते को छेड़ा है, तो इस वक्त उनको बिल्कुल अंदाजा नहीं, शायद पॉलिटिकल उनसे बहुत बड़ा ब्लंडर हुआ है कि उन्होंने ये जो छेड़ा है, तो हम तो सिर्फ इसलिए परेशान है कि हमारा एक बाजू अफेक्टेड है कश्मीर, उनका पूरा एरिया तबाह हो जाएगा, ये जो इनसे छिड़ गया है, तो अब इसको समेटने की वो कोशिश, अब देखिए अब देखना यही है कि मोदी साहब ने भी हिंदुस्तान में लोगों को आहिस्ता आहिस्ता जज्बाती नारों, जो सही मानों में हमारा कल्चर है वो उन्होंने अपना लिया, वो जज्बाती नारों से आहिस्ता आहिस्ता हिंदू धर्म के नाम पे उन्होंने इतना एक्सप्लॉइट किया कौम के, कौम मोदी से बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर
रही है, वो मोदी को समझ रही, कोई अशोका हो गए या चंद्रगुप्त मौर्य हो गए, अल्लाह जाने क्या हो गए। तो अब अगर मोदी साहब बैकआउट करते हैं तो आपको अंदाज़ा नहीं कि वहाँ की जो अपनी आबादी है उनकी, हिंदुओं की, उनका क्या हशर करेगी और यहीं से उनकी तबाही होगी। देखिए, एक निज़ाम अल्लाह ताला का ज़ाहिर चलता है दुनिया में, जब आप जुल्म करते हैं ना तो जुल्म को मारने के लिए कोई दूसरा नहीं आता है, बल्कि आप अपने अंदर कैंसर की तरह ही तबाह हो जाते हैं। जो मोदी साहब का ये कश्मीर वाला मामला है, हो सकता है साल, दो साल, पांच साल हमें लगे कि बहुत नुकसान हो रहा है, लेकिन और फिर मैं कह रहा हूं उसमें हमारा कोई किरदार पाकिस्तान का नहीं हुआ, खुद मिन जानिब अल्लाह है या मिन जानिब सिस्टम है या मिन जानिब फितरत है कि वो उनके यहां कश्मीर के हवाले से बेशुमार तहरीकें शुरू हो जाएंगी अलहदगी की, एक बार। दूसरी बार, कश्मीर में पहले भी मुजाहिदीन बहुत एक्टिव रोल, वो खामोशी से नहीं बैठेंगे, मुजाहिदीन वहां पहुंच जाएंगे और उस पहले तो हम हो सकता था रोक भी सकते थे, अब रोक भी नहीं सकेंगे उनको, क्योंकि उनकी अपनी मर्जी होगी और पूरी दुनिया से मुसलमान मुजाहिदीन आ जाएंगे, हिंदुस्तान के का बेड़ा गर्क कर देंगे। अच्छा, होगा क्या, हिंदुस्तान का बेड़ा गर्क हो या कुछ हो, पूरा एरिया इफेक्टेड हो जाएगा 5-10 साल के लिए। ठीक है, 14 दिन हो गए हैं और ऑलमोस्ट वो है, और जुजवी तौर पर सुनने में आया कि मवासलाती रबते अब बहाल होना शुरू हो गए, और अब हम ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं, इसके बाद हम इस पर मजीद बात करेंगे। नाज़रीन हमारे साथ रहेगा। जी नाज़रीन, प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। फातिमा साहब, जिस तरह से तर्जुमान पाक फ़ौज ने कहा कि भारत आज़ाद कश्मीर पर कब्ज़े का ख्वाब ना देखे, ये तो एक तरीके से बिल्कुल उन्होंने उनको समझा दिया है बिल्कुल, कि वो बिल्कुल भी मैली आँख से ना देखें। तो आप किस तरह से देख रहे हैं, आगे क्या पेशरफ्त होती आपको महसूस हो रही है? देखें, मैंने आपसे फिर कहा कि मोदी साहब के इस कदम उठाने से सही मानों में पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों ऑकवर्ड पोजीशन में हैं। पाकिस्तान के पास कोई चारा नहीं है सिवाय इसके कि कश्मीर के लिए वो पूरी एड़ी चोटी का जोर लगाए जो लगा रहा है। ठीक है, हिंदुस्तान के लिए प्रॉब्लम यह है कि वो जिस धड़ल्ले से उन्होंने अपनी तकरीर में मैं सुन रहा था फरमा रहे थे कि जो काम हिंदुस्तान की दूसरी सियासी जमायतों ने 70 साल में नहीं किया, वो मैंने 70 दिन में कर दिया। अच्छा, तो 70 दिन में कर दिया तो अब वो बैकआउट कैसे करें? मैंने आपसे कहा ना कि मोदी साहब के ने अपने लिए खुदकुशी का खुद ही रास्ता तलाश कर लिया, क्योंकि पूरी कौम को चढ़ाते चढ़ाते आप समझिए बांस पे चढ़ा दिया है, अब उतारिए। तो ये मुनव्वर मिर्ज़ा भी कह रहे थे कि उन्होंने बड़ी जल्दबाजी से काम लिया ये स्टेटमेंट देने के लिए। नहीं, और ये भाई टाइम लेते हैं, आप वार्निंग दे। अजय, बहुत से जो बाहर के हैं मुबस्सिरीन, उनका ये कहना है कि अगर सच में ऐसा था, जाहिर है कश्मीर में उनके भी चाहने वाले तो होंगे, हिंदू पॉपुलेशन भी है, उनको ये चाहिए था कि पहले कश्मीर के मुकामी लोगों को अपने साथ मिलाते, उनकी असेंबली से बात करते, उनको कोई चीज दे, फिर ये करते। उन्होंने तो डायरेक्ट कब्जा कर लिया, जैसे फतेह करते हैं एरिया। ठीक है, अब आ जाते हैं हम जरा तहरीक इंसाफ की, जो हुकूमत है उसको पहला बरस हो गया है, और आप किस तरह से देख रहे हैं इमरान खान साहब जो हमारे वज़ीर आज़म हैं उनके बारे में आप बताइए। असल में इन पीटीआई का एक साल कुछ इस तरह का है कि अगर बात कीजिए तो करनी मुश्किल होती, क्योंकि उस पर कुछ आपको अच्छी चीज़ नज़र नहीं, ना कीजिए तो फिर झूठ के आप हो जाएंगे। बात यह कि किस हवाले से बात की जाए, मुआशी तरक्की के हवाले से। देखिए, मुआशी तरक्की तो हो सकता है कहीं किताबों में हो तो हो, अमलन तो मुआशी बदहाली की हम इंतहा पे हैं, तरक्की तो बहुत दूर की बात है, हमने जहाँ पहुँचे थे हम वहाँ भी रुक नहीं पा रहे हैं। मैं आपको 2-3 पॉइंट आप बता दूँ कि अगर फ़र्ज़ कीजिए स्टॉक एक्सचेंज, ये है ना एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है मुआशी, 32% नीचे गया है एक साल में। अच्छा, डॉलर की कीमत 35 रुपये एवरेज, 34 रुपये समथिंग, 34 से 35 रुपये आपकी कीमत घटी है, यानी आप 124 से 158, 159, 160 पे आ गए हैं। अच्छा, तो अब आप देखिए स्टॉक एक्सचेंज लोकल में चले गए, डॉलर आप इंटरनेशनल में चले गए, गोल्ड जो है आपका 34-35 हज़ार से 88 हज़ार पे पहुंच गया है आपस में। अच्छा, उसके बाद पेट्रोल की कीमत आपके सामने 22 से 23 रुपये लीटर पे इजाफा हुआ है, डीजल में 19 से। तो मतलब मेरे कहने का है कि अगर बहुत ईमानदारी से देखा जाए
तो ये बहुत मुश्किल है डिफाइन करना कि इमरान खान के इस एक साल में सियासी तो अभी गुफ्तगू ही नहीं, क्योंकि सब जैसे कश्मीर का इशू है, तो अगर कश्मीर के इशू पे आप बात करेंगी तो जो इनके जो सपोर्टर हैं वो ये कहेंगे कि देखिए साहब 50 साल बाद पहली बार सिक्योरिटी काउंसिल में हमने बुला लिया, फलां किया फला। जो मुखालफिन है वो ये कहेंगे साहब ये नौबती क्यों नहीं, अगर 70 साल से ये नौबत नहीं आई थी और पिछले 5 साल भी मोदी रह के गया है तो अब ये क्या क्यामत आ गई आपकी नाकाम पॉलिसी, कह सकते हैं। तो ये उस पर तो आप बैन दोनों तरफ बात कर सकते हैं, लेकिन जहां तक इकॉनमी का ताल्लुक है, फिर आपने जो कर्जे लिए हैं ये कह के कि हम कर्जे उतारने के लिए ले रहे हैं, वो उसकी कहीं पे कोई वजाहत डॉक्यूमेंटेशन या कोई ऐसी चीज नहीं कि लेके किया क्या है आपने वो पैसे। यानी पिछले पे तो आप कह रहे हैं ना कि जी उन्होंने पैसे लेके खा गया, ये क्या किया, खाया होगा नहीं खाया ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन आपने जो पैसे लिए इसका हिसाब कौन लोग करेंगे। यानी आप देखें ना तकरीबन $4.2 बिलियन चीन से लिया है, $3 बिलियन सऊदी से लिया, $2 बिलियन यूएई से लिया, $1 बिलियन आईएमएफ से लिया। अरे तो बाबा लेके कर क्या रहे हैं आप, तो इस्तेमाल क्या है वो, तो इस्तेमाल बताएं वो भी नहीं। अच्छा सीपैक के हवाले से आप देख लें बेशतर प्रोजेक्ट ठप है, मुझे नहीं पता क्या सियासी वजह है क्या गैर सियासी वजह है। और तो मैं इस पे इमरान खान के इस पूरे अहद पे बात करना बहुत मुश्किल है। तो आपके ख्याल में इस जो हुकूमत ने जो वादे जिन बुनियादों पर लिए थे अवाम से और अवाम ने वोट दिया था, तो आपके ख्याल में वो उल्टे पड़ गए सब, मतलब नहीं उल्टे सीधे तो नहीं कह सकते, ये भी हो सकता है कि संभाला ले लें। देखिए अच्छा। ऐसा 5 साल अभी 4 साल में 5 साल में 1 साल यानी 20% टाइम निकल गया, 80% है। और बाद वक्त अगर अच्छी टीम हो, अच्छे सियासतदान हो और सच में अच्छे लोग हों तो संभाला लिया जा सकता है। बिल्कुल इसी तरह अगर एक बच्चा शुरू में कमजोर है तो जरूरत नहीं कि आखिर तक कमजोर, आखिर में टॉप भी कर जाता है बच्चा, अगर बेहतरी की सूरत हो सकती है। लेकिन हम तो सिर्फ इसी आसार यानी आसार देख के बताते ना, ये कोई हमारे पास वो रूहानी तरीका तो है नहीं कि फिगर बता, जो आसार बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि इनकी टीम गैर संजीदा है या गैर काबिल है, इनकी टीम जो है वो मुआशी कोई प्लान नहीं है, इनके पास एटरेडम है। तीसरी बात इनकी ज्यादातर मुआशी पॉलिसी जो है आईएमएफ की डिक्टेटेड है। तो अच्छा मैं कह रहा हूं आईएमएफ की डिक्टेटेड है वो भी कोई बात नहीं, अगर फर्ज कीजिए उससे फायदा हो जाता है, लेकिन अमूमन हमने ये देखा है कि जब आईएमएफ के चंगुल में आप फंसते हैं इस तरह कि यके बाद दीगरे कर्जे बढ़ते चले जाते तो उसके बाद आप उसके चंगुल से, और इसकी बेहतरीन मिसाल मैं आपको बताते तो यूएई है, यूएई के पास कोई पैसों की परेशानी नहीं है, कुछ नहीं है, बड़े यानी बहुत खुशहाल मुल्क है, लेकिन आप देखिए अल्लाह जाने कैसे ट्रैप हो गए हैं वो है। कि अब उनके जान को अटक गया वो पैसा और उनकी इकॉनमी तबाह हो रही है। ठीक है, हमें इस वक्त सरदार मोहम्मद अशरफ साहब टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन कर रहे हैं, उन्हें भी गुफ्तगू में शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सरदार मोहम्मद अशरफ साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। जी मिजाज शरीफ जी, अल्लाह का शुक्र आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, किस तरह से आप कहेंगे इमरान खान साहब जो हमारे वजीर आजम है, एक साल मुकम्मल हुआ उनकी हुकूमत को, तो आप किस तरह से देख रहे हैं मईशत के हवाले से अगर हम बात करें तो मखदूश हालात आप समझते हैं कि मुतवस्सित तबके की मदद हो सकी या नहीं हो सकी? एक तो ये बात है कि ये जो हमारे खान साहब की हुकूमत है वो सबसे पहले जो इस हुकूमत की जो बुनियाद है वो ही मेरे ख्याल से इसकी सबसे पहली कैजुअलिटी जो हुई है वो हुई है सियासी अदम इस्तेकाम। ठीक है, और मुखालिफों के ऊपर ये चढ़ दौड़े हैं और बगैर देखे बगैर समझे बगैर किसी मंसूबे के। और दूसरा जो बहुत बड़ा जो वो हुआ है वो ये है कि पाकिस्तान के इक्तसादी सूरत हाल को संभालने के लिए कोई मंसूबा उनके पास नहीं था ना है। उन्होंने कहा था कि जी डॉलर और इनकी जो एक अच्छी इन्होंने यूसी सारी चीजें इनकी ख्वाबों की बुनियाद के ऊपर थी, और वो ख्वाब ये था कि जी हम $200 बिलियन ले आएंगे और $200 बिलियन ले आएंगे, $100 बिलियन कर्जे मुंह पे मार देंगे। सो इट्स अ पॉलिटिकल रेटरिक लीविंग असाइड, लेकिन हकीकत ये है कि तहरीके इंसाफ की हुकूमत फौज की हिमायत के बावजूद मुल्क के अंदर ना सियासी इस्तेकाम ला सकी है और ना ही माशी बेहतरी ला सकी है।
और मैं न तीसरी बात यह है कि इनकी पॉलिसियों में कोई मुस्तकिल मजाजी मौजूद नहीं है। अगर किसी हुकूमत की डायरेक्शन सही हो और उसकी अप्रोच सही हो और उसके ऊपर उसकी मकसद भी उनका बिल्कुल नेक हो, जैसे खान साहब जो नेक आदमी हैं, ठीक है, और ये सब चीजें होने के बावजूद अगर उनकी डायरेक्शन सही नहीं है, उनके पास पॉलिसी प्लान नहीं है, तो एक साल नहीं, दो साल नहीं, दस साल में भी मामला ठीक नहीं होंगे। तो आपके ख्याल में पीटीआई हुकूमत में हिकमत अमली जो है उसकी कमी आपको देखने को मिल रही है एक लिहाज से? मतलब कौन सी चीज है जिसकी कमी नहीं है? समझ अच्छा। और विजडम की जो सियासी बसीरत है उसका तो सबसे ज्यादा आपको सियासी बसीरत का बहुत बड़ा बहरान नजर आता है पीटीआई की हुकूमत में। और वो सवाए इसके कि वो पूरी तरह से अपने आप को फौज के ऊपर रिलाय कर रहे हैं, उनका सियासी माहौल को बेहतर बनाने का कोई तरीका उनके पास मौजूद नहीं है, एक बात तो ये है। तो इससे आप तो मुल्की और गैर मुल्की हालात में भी आप सोचिए कि सऊदी अरब आपका बहुत बड़ा इनिशिएटिव था, दूसरा यूएई आपका बहुत बड़ा फॉरेन पॉलिसी इनिशिएटिव था, आज जब पाकिस्तान को कश्मीर के मामले में जो है वो सूरत हाल, यू नो, नागहानी सूरत हाल पेश आई, नागहानी नहीं है ये तो, आपको अगर कोई हुकूमत पाकिस्तान की होती तो उसको पहले दिन से पता था। तो आपने मोदी को मौका फराहम किया कि वो इतना बड़ा इकदाम करे और उसने ये समझा कि पाकिस्तान इक्तसादी तौर पर बहुत कमजोर है और सियासी तौर पर मुनकसम है और ये बहुत अच्छा मौका है कि पाकिस्तान की फौज को और पाकिस्तान को एक सबक दिखाया जाए। तो उसने कश्मीर पे हमला नहीं किया है, उसने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया है। देखिए इस बात को और अच्छा। उस वक्त जो है उस वक्त ये हुआ है कि सरदार मोहम्मद अशरफ साहब जिस तरह से एमनेस्टी स्कीम भी मुतारिफ करवाई गई, आप क्या समझते हैं उससे कितने फवायद हासिल किए जा सके? दो बात करके मैं उसकी तरफ आता हूँ। एक तो ये कि सऊदी अरब ने कश्मीर के मामले में हमारे साथ बिल्कुल कोई तआवुन नहीं किया और जब कश्मीर का मामला हो रहा था मोदी गवर्नमेंट ने वहां कश्मीर में कर्फ्यू नाफिज किया, 370 जो है रिमूव किया, तो उस वक्त सऊदी वली अहद जो है वो $75 बिलियन की इन्वेस्टमेंट जो है वो एग्रीमेंट साइन कर रहा था, सबसे बड़ा हाईएस्ट इन्वेस्टमेंट सऊदी अरब में। तो एक तो ये बात है, दूसरी बात ये है कि जो आपने पूछा कि एमनेस्टी स्कीम जो मुतारिफ कराई, एमनेस्टी से तो देखिए एमनेस्टी नवाज शरीफ ने भी किया था और उसको उनको 124 बिलियन रुपए का रेवेन्यू मिला था। इन्होंने जो एमएनएसटी की बगैर प्लानिंग के की और बगैर किसी सोचे समझे उसके बगैर किया, बहुत रिग्रेसिव, बाद में एग्रेसिव भी किया, शब्बर जैदी ने काफी कोशिश किया, लेकिन जो है वो 40 बिलियन रुपया आपको टोटल मिल सका है उससे। तो आपका जो रेवेन्यू गैप है वो 350 बिलियन का रेवेन्यू गैप है ईयर एंडिंग। जो अभी आपका जो नया टारगेट है वो है 5,555 बिलियन का, जिसके आप पिछले साल में 500, इसका मतलब है कि 6,600 कुछ बिलियन का आपका टारगेट है जिसको आप अचीव आप नहीं कर सकते। सरदार मोहम्मद अशरफ साहब, अगर आप पीटीआई की कामयाबी जिन चीजों को करार अगर दिया जाए तो जिनमें करप्शन, सेहत कार्ड, वीजा हुसूल पॉलिसी, खारजा पॉलिसी में बेहतरी, आप समझते हैं कि पीटीआई की कामयाबी इसको करार दिया जा सकता है? मुझे मालूम नहीं है कि ये कौन सी चीज है जिसको आप कामयाबी कह रहे हैं। वीजा पॉलिसी ये क्या है? इस वीजा पॉलिसी से आपने कहा पाकिस्तान को ओपन कर रहे हैं दुनिया के लिए, कोई पाकिस्तान में उसका जो टूरिस्ट की कोई फौज आ गई है क्या? कोई टूरिस्ट ने हमला कर दिया है? जैसे मैं सिंगापुर एक दफा गया था तो वहाँ एक जो वो जो गाइड था उसने कहा कि हर साल जो है वो 10 लाख जापानी जो है वो सिंगापुर विजिट करते हैं और हर जापानी जो है वो कम से कम $5,000 जो है वो खर्च करता है सिंगापुर में। और उसने हंसते हुए कहा कि ये सेकंड बड़ा इन्वेजन है जापान का पाकिस्तान। तो आपका यू नो ये एवरी पॉलिसी इज लाइक, हर पॉलिसी जो आप बना रहे हो
वो आप मालूम नहीं कहाँ से कोई मतलब कहीं से पिकअप करते हो, अचानक ख्वाब आता है आपको, उसके लिए ना कोई होमवर्क है ना कोई उसके लिए पॉलिसी है। ठीक है, तो मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि एक हुकूमत जिसको जिससे उम्मीद थी आवाम को बहुत बड़ी बड़ी उम्मीदें, और जिससे अभी भी मेरे ख्याल से लोग पूरी तरह मायूस नहीं हुए हैं, और पहली दफा एक ऐसी हुकूमत है जिसको पाकिस्तान की फौज की न सिर्फ भरपूर हिमायत हासिल है। बहुत शुक्रिया सरदार मोहम्मद अशरफ साहब, आप हमसे गए थे जी। फातमी साहब, सरदार साहब को आपने सुना, आप इस पर कोई रोशनी डालेंगे? नहीं, सरदार साहब ने बिल्कुल सही फरमाया। मैं तो खुद आपसे पहले यही कहा कि इमरान खान की जो हुकूमत है उसको शायद जो अपॉर्चुनिटी मिली हुई है, ये अपॉर्चुनिटी इससे पहले यानी लियाकत अली खान के कत्ल के बाद से आज तक किसी हुकूमत को इतनी फैसिलिटी नहीं मिली और इतनी भरपूर ताबुन इदारों का नहीं मिला जो इनको मिला। लेकिन इनकी कारकर्दगी कहीं पे भी जर्रे बराबर भी ऐसी नहीं जिसे पे तारीफ की जा सके। सर, पीटीआई हुकूमत की बात हो रही है, एक साल हो गया, उसमें आप अगर हम टैक्स, महंगाई और आवाम के बारे में आपसे कुछ पूछें, महंगाई आप खुद आपको अंदाजा होगा, मुझे मतलब आप भी जाहिर घर चलाती हैं, महंगाई तो खैर वहाँ पहुँची हुई है जहाँ आप अल्लाह का ये शुक्र अदा करें कि अभी जराइम नहीं बढ़े, स्ट्रीट क्राइम उतना जितना बढ़ जाना चाहिए है। बढ़े हैं क्योंकि जब दिखे है क्या साहब, तफसील इसके बाद कर लेंगे ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। नाज़रीन हमारे साथ ही रहिए। जी नाज़रीन, प्रोग्राम के तीसरे और आखिरी हिस्से में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। फादर साहब, बात हो रही थी महंगाई पर, तो उसको देखिए, महंगाई तो मैंने आपसे पहले कहा कि जो महंगाई का हाल है वो ये है कि जो मशहूर महावर्तन लोग कहते हैं, मियाँ दाल रोटी में गुजारा कर लेंगे, तो इमरान खान ने दाल और रोटी दोनों आपके बस से बाहर किया हुआ है, और इसमें कोई ऐसी कोई मतलब छुपी हुई बात नहीं या कोई प्रोपेगेंडा नहीं है या कोई इल्ज़ाम तराशी नहीं। शायद आपको याद होगा 2-3-4 महीने पहले भी मैंने कहा, जब अब्दुल हफीज शेख साहब वज़ीर ख़जाना, कि भाई बहुत आसान तरीका ये है कि जो आपकी मिनिमम वेजेस है पाकिस्तान में, जो आपने 15,000 या 17,000 रखा, अव्वल तो लोग पाकिस्तान में 15-17 नहीं, लोग 10 पे काम कर रहे होते, अच्छी तरह आपको पता है घरों के मुलाजिम 7-8 हज़ार पे काम करते, लेकिन चले छोड़ें 17,000 क्या, आप 20,000 पे पार्लियामेंट में आएँ और एक घरेलू बजट बना के एग्जाम्पल के तौर पे, नमूने के तौर पे, नुमाइश के तौर पे, प्रेजेंटेशन के तौर पे बता दें कि जनाब आली ये 20,000 जो हमारी आम आबादी है पाकिस्तान की जिसका घर चलता है, मियाँ बीवी और सिर्फ दो बच्चे, ज़्यादा भी नहीं, 4-5 बच्चे नहीं, मियाँ बीवी और दो बच्चों के साथ 20,000 रुपए में बजट बना के इमरान खान दे दें, रज़ा मुराद वो मुराद सईद दे दें, अब्दुल हफीज शेख दे दें, फवाद चौधरी जो भी चाहे दे दें, नई मुराद दे दें, कि भैया प्रेसिडेंट साहब खुद पेश कर दें कि जनाब हमने अपने घर में अभी बजट बनाया है और हम अपना घर, सदर साहब ऐलान करें कि हम अपना घर 20,000 रुपये में चला रहे, तो मैं मान लूँगा। बात ये कि आपके बयान में और आपके हकायक में बहुत बड़ा तजाद है जिसकी वजह से लोग मायूसी का शिकार नहीं। महंगाई का ये आलम है कि गोश्त वगैरह तो खैर छोड़ दीजिए, अब आप ये सब्ज़ी भी आम घरों में नहीं आ सकती है, तो महंगाई की ये पोजीशन है। पेट्रोल आपके सामने, अच्छा हर महंगाई की वजह किसी और महंगाई के तवस्सुत से है, मतलब आपकी ये महंगाई इसलिए कि फला महंगा, मतलब पेट्रोल महंगा तो दूसरी चीज़ें महंगी हो गई, स्टॉक मार्केट गिर गई तो उसकी वजह से प्रॉब्लम, गोल्ड महंगा हो गया तो उसकी वजह, डॉलर की कीमत बढ़ गई, तो होता क्या है कोई चीज़ भी आज़ाद नहीं होती, यानी हर चीज़ एक दूसरे से लिंक होती है ना, आप हाथ पैर उंगलियाँ दिमाग कान नाक सब चीज़ें साथ काम करती हैं, तो मुआशरे में बड़ा मुश्किल है डिफाइन करना कि साहब ये फला चीज़ की। जब भी एक चीज, अच्छा आप ये कहेंगे जनाब हमने तो महंगाई नहीं की, महंगाई करने की जब आप पेट्रोल की कीमत बढ़ाएंगे तो खुद ब खुद उसके बाद आपने ये किया है कि हर जगह टैक्स लगा दिया है, यानी जो अमूमन लोग पिकनिक के तौर पे या घूमने फिरने चले जाते थे बाहर, KFC चले या मैकडोनल्ड, तो इस किस्म के छोटे छोटे खाने पीने के एक तफरी के तौर उस पर भी आपने टैक्स लगा दिया। अच्छा अब हाल ये है कि हर जगह तकरीबन आम जिंदगी की ज़रूरियात, बिल्कुल आम यानी मैं खास की, उसकी भी पहुंच आम लोगों तक नहीं है।
अच्छा ज़ाहिर है पेट्रोल है तो ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो गया, प्लस आपके पास ट्रांसपोर्टेशन का कोई निज़ाम नहीं। तमाम दावों के बावजूद आज तक मैं कराची के हवाले से बात कर सकता हूँ कि कुछ नहीं है, कोई आपके सामने या ट्रांसपोर्टेशन का कोई मसला नहीं, इसी तरह दूसरे मसाइल हैं। तो ये वजह, अच्छा उसकी वजह क्या है कि आपके पास जो जैसा सरदार अशरफ साहब ने कहा, आपके पास कोई कॉन्क्रीट प्लानिंग नहीं है। मुझे अच्छी तरह, मैं स्टूडेंट था स्कूल का, लेकिन अच्छी तरह याद है कि अयूब खां के ज़माने में बाकायदा एक 5 साल प्रोग्राम बनता था, 5 साल 10 साल दो बार बने थे, और उसमें ये होता था कि वो 5 साल बनता नहीं था, बल्कि हर दिन डेली वेजेस पे, वीकली वेजेस पे, मंथली वेजेस पे, क्वार्टरली वेजेस पे उसकी बाकायदा मीटिंग होती थी। अभी किसी साहब ने मुझे बताया, बल्कि मैं कोई सोशल मीडिया में देख रहा था और झूठ नहीं होगा, उन्होंने कहा कि वो गए अपने किसी दोस्त से मिलने बांग्लादेश, जो इत्तफाक से वन ऑफ द एडवाइज़र है शेख हसीना का, तो उसने कहा कि भाई इंग्लैंड का दोस्त होगा या अमेरिका, तो उसने कहा मैं मुलाकात करना चाहता हूँ, तो उसने कहा कि भाई आपके पास, आप ये समझ लें कि वर्किंग डे में मैं बिल्कुल अवेलेबल नहीं, क्योंकि हसीना वाजिद हर मॉर्निंग को 11 बजे मीटिंग कॉल करती हैं ये मुआशी मसाइल पर, और वो मीटिंग अब चूँकि प्राइम मिनिस्टर तो आप कुछ कह नहीं सकते, हो सकता है 2 बजे खत्म हो जाए, हो सकता है 5 बजे, हो सकता है रात को। पाकिस्तान में अयूब खान के जाने के बाद बदकुछ, हालांकि वो मार्शल लॉ है, डिक्टेटर है, सब कुछ है, लेकिन उसके जाने के बाद आज तक क्या मियां साहब, क्या जरदारी साहब, क्या भुट्टो साहब, क्या इमरान खान, आज तक कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि इवन वीकली भी कोई प्रॉपर मीटिंग हो और उसका फॉलोअप हो। मीटिंग तो हो जाती है, मीटिंग में एक ऐलान आ गया कि जनाब 5 लाख घर बना देंगे, उसके बाद वो घर जाके भूल गए, सो गए, अगली सुबह अब कोई 3 साल के बाद अगर किसी ने मजमे में पूछा कि साहब वो 5 लाख घर, तो उनको याद आया कि अच्छा अच्छा 5 लाख घर की भी बात, बस निकालो फाइल निकालो। तो जब तक आप फॉलोअप नहीं करते, देखिए कौमें सिर्फ उसी वक्त तरक्की करती हैं कि जो भी अपना टारगेट बनाती हैं वो उसको बाकायदा दिनों घंटों और हिसाब से चलती है। वो आप क्या अच्छा अगर ओवरऑल पूछा जाए इस 1 साल को हुकूमत के, तो कितना आप कामयाब उसे समझते हैं? भाई जज्बाती तौर पे बहुत कामयाब है, नारों में बहुत कामयाब है, गालम गलोज में अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान दुनिया में सबसे आगे चला गया है, मुखालिफों को तंग करने में सबसे ज्यादा है, इकानमी बिल्कुल चौपट हो गई, फॉरन पॉलिसी आपकी शायद संभाला, ले ले तो ले ले, लेकिन वो भी डामाडोल है, हकीकत सिर्फ इतनी। और जो करप्शन पे उन्होंने काम किया, जो करप्शन पे किया से करप्शन कम नहीं हुआ है। अब मैं क्या कहूं प्रोग्राम में आपसे कहूं कि हर पुलिस वाला, हर जो तफ्तीशी दफ्तर, वो कह रहा भाई अल्लाह का शुक्र है जहां 200 मिलते थे अब 400 मिल रहे हैं क्योंकि लोग डरे हुए हैं। खैर कमी तो आई नहीं करप्शन में बिल्कुल, जो लोग कह रहे हैं वो आपको कह रहा हूं, मैं बिल्कुल बबांग दहल कहता हूं कि इमरान खान के जमाने में करप्शन कम से कम 5 गुना बढ़ गया है। लेकिन नजरसानी तो की गई ना करप्शन के ऊपर, बात हुई पकड़ धकड़। मैं आपको एक फिलॉसफी बता दूं, दुनिया के किसी मुआशरे में डंडे से करप्शन ख़त्म नहीं होता, करप्शन ख़त्म होता है तालीम से, तहजीब से, आसानी। आप लोगों देखिए है क्या, मैंने 20 बार अपने प्रोग्राम में कहा कि आप अपने बच्चे को सुबह नाश्ता देना बंद कर दें, 3 दिन 5 दिन 7वें दिन वो पड़ोस में जाके नाश्ता करने लगेगा। इसी तरह कौमें होती, जब आप बुनियादी तमाम चीज़ें नहीं फराहम करती तो करप्शन होता ना, आप फराहम करेंगे तो क्यों क्यों नहीं करप्शन था 1958 से पहले दौलताना के ज़माने में, चौधरी मोहम्मद अली, गुलाम मोहम्मद, इस्कंदर मिर्ज़ा, लियाकत अली, नाजमुद्दीन, नूरुलमी, क्यों नहीं करप्शन था? यानी आप हैरान होंगे कि बाज़ प्राइम मिनिस्टर साहब ऐसे हैं, आपका दूसरा गवर्नर जनरल सर नाजमुद्दीन, जब वो निकले तो उनके पास घर रहने को नहीं था, किराए पे किसी बड़े आदमी ने किराए पे उनको घर रहने के लिए दिया था। इसी तरह फिरोज खानून जो बड़ा लैंडलॉर्ड था, रिटायर होने के बाद, हटने के बाद उसके 2 पैसे नहीं थे। तो आपके पास मिसालें मौजूद है अच्छे लोगों की, और अब आप बता दीजिए, आप बनीगाला में महल में रहते हैं, मियां साहब रायवंड में महल में रहते हैं, जरदारी साहब अपने घर में, यानी इसमें से कोई ऐसा नहीं जो ताजमहल से कम पे तैयार हो रहने जा रहे हैं। खालिद फातमी साहब आपका बहुत शुक्रिया, नाज़रीन आपका भी बेहद शुक्रिया, अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल, और इंशाल्लाह आपसे अगले हफ्ते मुलाकात होगी। रुबीना अलवी को दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।